ठीक है, आपको जहाँ सेट करना है, कितने बल्ब पे हमारी बैटरी कट ऑफ होनी चाहिए, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ही 13 बल्ब पे पहुँच जाएगा, अपने आप ही कट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट बैटरी चार्जर विथ ऑटो कट। दोस्तों, ऑटो कट का फायदा क्या होगा कि जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो इसमें सप्लाई आना बंद हो जाएगा और ओवर चार्ज नहीं होगा, जिससे हमारी बैटरी भी खराब नहीं होगी। आप देख रहे हैं दोस्तों, कंपोनेंट बहुत ही कम है और इन्हीं कंपोनेंट की मदद से हम बैटरी चार्जर बनाने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का रिले, एक पोर्ट, इसको पोटेंशियल मीटर भी बोलते हैं, 2 LED चाहिए अलग अलग कलर में, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक चार्जर साथ डायोड और 2 रेजिस्टेंस, एक 10K और एक 2K2। तो आइए दोस्तों, इन कंपोनेंट की मदद से हम अपना सर्किट तैयार करते हैं। दोस्तों, ये रिले है। रिले में आप देखेंगे 5 पॉइंट होता है, एक तरफ 3 पॉइंट, एक तरफ 2 पॉइंट, बीच वाला पॉइंट कॉमन होता है और इनमें से एक NC और एक NO। जिस साइड 3 पॉइंट होता है, उस साइड का साइड साइड वाला पिन, यानी कि बीच वाला छोड़ देंगे अगर आप, तो साइड साइड वाला जो पॉइंट होता है, ये कॉयल का होता है जिसपे हम सप्लाई देते हैं, तो ये रिले वर्क करता है। तो ये दोनों सप्लाई का है, आप किसी पर भी प्लस किसी पर भी माइनस दे सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम शॉर्ट कर देंगे, यहां पर एक डायोड लगाएंगे। और डायोड का दूसरा पॉइंट रिले के दूसरे वाले पॉइंट पे देना है, जहां पर कॉयल का पॉइंट है, कुछ इस तरीके से। अब आप 2 LED लेंगे किसी भी 2 कलर में, दोनों का माइनस पॉइंट आपस में शॉर्ट कर देना है। इस तरीके से दोनों LED का कॉमन आप शॉर्ट कर लेंगे और ये दोनों पॉइंट, इस LED का प्लस और इस LED का प्लस, रिले के इन दोनों पॉइंट पे आपको जोड़ना है, कुछ इस तरीके से। अब LED का जो कॉमन पॉइंट है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 2K2। एक ट्रांजिस्टर लेंगे NPN, आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, मैं BC547 यूज कर रहा हूं। इस ट्रांजिस्टर का पहला पॉइंट होता है कलेक्टर, बीच का बेस और साइड का यानी तीसरा नंबर ईमीटर। जो कलेक्टर पॉइंट है वो जाएगा रिले के इस वाले पॉइंट पर, जहां पर डायोड का माइनस पॉइंट है। और इन दोनों पॉइंट पर आपको ये पोर्ट लगा देना है, जिससे हम सेट करेंगे कि हमें बैटरी को कितने वोल्ट पे कट ऑफ करना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ट्रांजिस्टर के पहले और दूसरे पॉइंट पे जोड़ देना है। कुछ इस तरीके से जोड़ के अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और LED का जो तीसरा पॉइंट है, यानी कि कॉमन वाला, वो आप देंगे ट्रांजिस्टर के इमिटर वाले पॉइंट पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हमें एक रेजिस्टेंस की जरूरत है, जिसकी वैल्यू है 10K। ये रेजिस्टेंस लगाएंगे
पोर्ट के तीसरे वाले पॉइंट पे जो खाली पड़ा है यहाँ पर। यहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्ट जहाँ पे 12 वोल्ट प्लस जोड़ना है यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्किट तैयार हो चुकी है। अब हमें कनेक्शन करके इसको चेक करना है। जो 12 वोल्ट प्लस आएगा वो इस पॉइंट पे आएगा और 12 वोल्ट ग्राउंड यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, कनेक्शन हो चुका है, सर्किट भी तैयार है। अब इसको सप्लाई देकर चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं रेड वाली लाइट जल रही है। ठीक है, आपको जहां सेट करना है कितने बल्ब पे हमारी बैटरी कट ऑफ होनी चाहिए आप यहां से सेट कर सकते हैं। अब जो बैटरी पर वायर जाएगा एक यहां से जाएगा ग्राउंड, ग्राउंड हमारा कॉमन हो जाएगा जो बैटरी के माइनस पे जाएगा, और प्लस पॉइंट यहां से जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जाएगा बैटरी पर और ये हमारा इनपुट है, ये बैटरी पे आउटपुट जाएगा। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं इसमें कितना वोल्टेज है। एक मल्टीमीटर लेंगे और इसको डीसी पर सेट कर लेंगे। अब चेक करते हैं इस बैटरी में कितना वोल्टेज है। आप देख रहे हैं लगभग 12 वोल्ट है, 11.96, तो टोटल 12 वोल्ट है ये। इस सप्लाई में मैंने कनेक्शन लगा दिया। अब इसका कनेक्शन करते हैं, प्लस वाला पॉइंट प्लस पे आ जाएगा और माइनस वाला माइनस पर। पहले चेक करते हैं बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं। आप देख रहे हैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ रहा, बैटरी चार्ज हो रही है। तेरह वोल्ट हो गया है, हमें यहां पर सेट कर देना चाहिए कि यहां पर कट हो जाए। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे ही 13 वोल्ट पर पहुंच जाएगा अपने आप ही कट हो जाएगा। 12.5 वोल्ट हो चुका है, 13.6, 12.6, 12.7 हो गया। मैंने इसको सेट कर रखा दोस्तों कि जैसे ही 13 वोल्ट होगा ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 12.8 वोल्ट हो चुका है, करीब करीब 13 वोल्ट होगा दोस्तों, तो ये अपने आप कट हो जाएगा और बैटरी को पावर देना बंद कर देगा। लगभग 13 वोल्ट हो गया यहां पर। ठीक है दोस्तों, जैसे लगभग लगभग 13 वोल्ट हुआ ये अपने आप ही कट हो गया। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।